भैया भैया भैया, मुझे मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस सबमिट करनी है, प्लीज जल्दी से पैसे दे दो। हाँ हाँ दे रहा हूँ, लेकिन सब ठीक है ना? तुम इतनी जल्दी में क्यों है? हाँ सब ठीक है, आप जल्दी से पैसे दो, मुझे लेट हो रहा है। पक्का ना? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। भैया मैंने कहा ना आपसे सब ठीक है, आपको पैसे देने हैं तो दो, वरना मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ कर रहा हूँ ट्रांसफर, UPI कर रहा हूँ, चेक कर। हाँ आ गए, ओके थैंक यू बाय। हेलो हेलो सर, राधिका की इस मंथ की कोचिंग फीस पेंडिंग है, उसी के रिगार्डिंग आपसे बात करनी थी। फीस पेंडिंग है? अरे अभी तो उसने कुछ दिन पहले फीस जमा करी है, आप प्लीज दोबारा चेक करिए। ओके सर एक सेकंड वेट कीजिए। ओके हाँ सर मैंने अभी चेक करा, फीस सबमिट नहीं हुई है, तो आप राधिका से बात करके जल्द से जल्द फीस सबमिट करवा दीजिए। ठीक है मैं बात करता हूँ उससे। राधिका इधर आओ। भैया अभी मुझे कोई बात नहीं करना। मैंने कहा ना इधर आओ। बोलो भैया जल्दी बोलो, मुझे कुछ अर्जेंट काम करना है। सच सच बताओ ये सब चल क्या रहा है? हाँ और वो तुमने अपनी कोचिंग की फीस का क्या किया? भैया वो तो मैंने कुछ दिन पहले ही भर दी थी ना। मुझसे झूठ मत बोलो, कोचिंग वालों का कॉल आया था फीस के रिगार्डिंग। सच सच बताओ कि क्या हो रहा है ये सब? अरे अरे बेटा क्या हुआ? अरे मुझे बताओ क्या हुआ, आई हेल्प यू, आई प्रॉमिस, पक्का मैं गुस्सा नहीं करूंगा, बताओ। भैया वो अरे चुप हो जा, बता क्या हुआ मुझे बता। भैया अभी कुछ दिनों पहले मैं एक लड़के से मिली थी और मुझे लगा कि वो मुझे पसंद करता है, तो मैं उससे काफी बार बाहर मिलने भी गई, हम लोगों ने साथ में काफी पिक्चर्स क्लिक करी, लेकिन अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि वो उन पिक्चर्स को एडल्ट साइट पर डाल देगा और मुझसे पैसे भी मांग रहा है ये सब ना करने के। इसलिए भैया मैंने आपसे झूठ बोला और ट्यूशन फी के पैसे मैंने उसको दे दिए। ये सब तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चल अब चुप हो जा, तूने मुझे सब बता दिया ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। भैया कैसे होगा सब ठीक, वो उन पिक्चर्स को वेबसाइट पर डाल देगा। डोंट वरी, हम लोग साइबर क्राइम को रिपोर्ट करेंगे और पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, वहां पे उसका मोबाइल और एड्रेस दोनों चीजें बताएंगे और वो उसको अच्छा सबक सिखाएंगे। लेकिन भैया उन पिक्चर्स का क्या? हम पिक्चर्स भी उनको देंगे और कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिस पर वो पिक्चर्स को डाल देंगे, जिससे कि वो लड़का कभी भी कहीं से वो पिक्चर्स अपलोड करेगा ना तो पोस्ट नहीं होंगी। इसलिए तुझे अब डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे झूठ बोला। राधिका मैं समझ सकता हूँ कि इस उम्र में कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन तुम्हें आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी किसी से दोस्ती करो तो पहले उसको जानो समझो, फिर कोई कदम आगे बढ़ाओ। और जीवन में कभी भी कोई दिक्कत आए तो बिना झिझक के मेरे पास ज़रूर आना, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? थैंक यू भैया, और अब से मैं हर एक स्टेप बहुत सोच समझ कर लूँगी। चलो अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं वरना बहुत लेट हो जाएगा। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.